फिल्म इंडस्ट्री में कई अभिनेताओं को काम करने के दौरान अपनी फिल्म की अभिनेत्री से प्यार हो जाता है, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, अपने अफेयर के कारण सुर्खियों में बने हुए भी रहते हैं। इन दोनों को कई पार्टियों में एक साथ देखा जाता है। कुछ अभिनेता तो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सगाई तो की पर शादी नहीं कर सके। संगीता बिजलानी और सलमान खान। अभिनेत्री संगीता बिजलानी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ 1988 में फिल्म कातिल में काम किया। इस फिल्म को करने के बाद बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, वे जल्दी शादी करने वाले थे। आपको बता दें कि सलमान खान की बायोपिक में इस बात का खुलासा हो चुका है। उन दोनों की शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। सलमान खान संगीता बिजलानी से 27 मई 1994 में शादी करने वाले थे। सलमान खान ने खुद अपनी शादी की तारीख पक्की की थी। इस रिपोर्ट्स के अनुसार संगीता बिजलानी की फैमिली इस शादी से खुश नहीं थी। वे संगीता से कह रहे थे कि सलमान खान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें सलमान खान से शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है तुम शादी करने के बाद उसको खुश नहीं रखोगे। तब मैंने शादी से एक महीने पहले सलमान खान के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया। मुझे तब लगा कि सलमान मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। शादी से पहले सलमान खान सोमी अली खान के बहुत ही क्लोज थे, उनकी नज़दीकियाँ देख मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। तब मैंने सलमान खान से शादी करने के लिए मना कर दिया और मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की सगाई पहले करिश्मा कपूर के साथ हो चुकी है। इन दोनों की मुलाकात अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की शादी के कारण हुई थी। श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई थी। निखिल नंदा करिश्मा कपूर के भाई हैं। निखिल करिश्मा कपूर के बुआ के बेटे हैं। श्वेता की शादी के कारण करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। इसी के साथ अभिषेक बच्चन अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी करीना कपूर के साथ में करने वाले थे। इन सभी के कारण उनकी मुलाकात बढ़ने लगी और इन दोनों को प्यार हो गया। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर शादी करना चाहते थे। उस समय अभिषेक बच्चन की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और करिश्मा कपूर इस समय की सुपरहिट हीरोइन थी। जया बच्चन भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इस वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर से शादी कर ली और अभिषेक बच्चन की शादी बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइन ऐश्वर्या राय से हो गई। वहीं अब बात करते हैं अक्षय कुमार और रवीना टंडन की। अक्षय कुमार और रवीना टंडन साल 1994 में रिलीज़ हुई फिल्म मोहरा में एक साथ काम कर चुके थे। शूटिंग के दौरान उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। फिल्म मोहरा बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इन दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत ही पसंद आई। इसके बाद खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इन दोनों की कई फिल्में सुपर हिट रहीं। अभिनेत्री रवीना टंडन अक्षय कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन अक्षय कुमार ने शादी करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने रवीना टंडन से कहा कि तुम्हें अपना करियर छोड़ना होगा। ये बात रवीना टंडन ने खुद एक इंटरव्यू में कही है। रवीना टंडन अक्षय कुमार से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वे फिल्में छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी। उस समय अक्षय कुमार अपनी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी शूटिंग में व्यस्त थे। फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा भी थी। फिल्म के दौरान अक्षय कुमार और रेखा की बॉन्डिंग बढ़ती जा रही थी। यह बात रवीना टंडन को पता चल गई, इस बात से बहुत दुखी हो गई थी। अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर के बारे में सभी को जल्दी ही पता चल गया। अभिनेत्री रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में अपने और अक्षय कुमार के रिश्ते के बारे में मीडिया से खुलकर बात की। अक्षय कुमार का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, मैं उनसे प्यार नहीं करती, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद रवीना टंडन ने मीडिया को अक्षय कुमार के बारे में बताया। लड़कियों को फंसाने में बहुत होशियार हैं, उनका चक्कर सुष्मिता सेन और रेखा के साथ में चल रहा है। रवीना टंडन के अनुसार अक्षय कुमार उनसे सगाई करने से पहले दो और लड़कियों के साथ सगाई कर चुके हैं। ब्रेकअप होने के बाद अभिनेत्री ने अक्षय कुमार पर बहुत आरोप लगाए, लेकिन अक्षय कुमार ने इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। नील नितिन मुकेश और प्रियंका भाटिया। नील नितिन मुकेश और प्रियंका भाटिया एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। अभिनेता नील नितिन मुकेश और प्रियंका एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे।
पर इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आपको पता ही है, मीडिया से कुछ नहीं छुप सकता। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म जेल के प्रमोशन के दौरान अपने और प्रियंका के बारे में खुलकर बात की। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर ज़रूर करते हैं। हम दोनों की फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। प्रियंका हमारी फैमिली का एक बहुत महत्व हिस्सा है।